जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या केवल मेहनत करने से सफलता हाथ लगेगी? बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, आप ही तो कितना बार समझाए हैं कि जी जान लगा के मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, भरमार मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी। यदि ऐसा होता तो बहुत सारे व्यक्ति दिन रात पसीना करके मेहनत करते हैं, दिन दिन भर धूप में खटते हैं, ईंटा ढोते हैं, बालू ढोते हैं, गिट्टी ढोते हैं, मजदूर लोग मजदूरी करते हैं, दिन दिन भर लोग खेत में काम करते हैं, दिन भर ठेला खींचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, क्या वे सफल व्यक्ति कहलाते हैं? समाज में उनको बहुत सम्मान मिल पाता है, सफल व्यक्ति का नहीं मिल पाता है। क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से लोग सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता प्राप्त करना है, एक सम्मानजनक एक प्रतिष्ठित जीवन जीना है तो मेहनत करना है, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए, सही दिशा में मेहनत करना होगा, तब सफलता हाथ लगेगी, नहीं तो मेहनत बेकार चला जाएगा। बोलिए कैसे? एक उदाहरण बताता हूं। दो अनभिज्ञ बच्चा को लीजिए, प्रयोग एक करना है, दो अनभिज्ञ बच्चा को लीजिए जो नहीं जानता है कि उल्टा चाकू क्या होता है और सीधा चाकू क्या होता है। तो एक को उल्टा थमा दीजिए, एक को सीधा चाकू, और दोनों को अलग अलग नींबू दीजिए, काटने के लिए बोलिए। मेहनत ज़्यादा कौन करेगा? जो उल्टा चाकू पकड़े रहेगा वो तेजी से ज़्यादा ताकत लगा के काटेगा, लेकिन किसका नींबू पहले कटेगा? जो कम मेहनत करेगा सीधा चाकू पकड़े हुए। इससे क्या प्रूफ होता है कि मेहनत के साथ डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अब आजकल बहुत सारे विद्यार्थी 2 साल 3 साल 4 साल ई बुझी में लगा देते हैं कि मैथ को सटीक ढंग से कैसे पढ़ना चाहिए, रीजनिंग को सटीक तरीका से कैसे पढ़ना चाहिए कि रिजल्ट हो जाए। सारे विद्यार्थी सिर्फ मैथ रीजनिंग अंधाधुंध पढ़ते हैं, 2-3 महीना पढ़ते हैं, फिर बैच छोड़ के प्रैक्टिस पर आ जाते हैं और उनका रास्ता फिर भटक जाता है। कभी पूरा कम से कम 85% 90% विद्यार्थी ऐसे होंगे कि एक बार पूरा मैथ रीजनिंग GK GS कंप्लीट नहीं पढ़े होंगे, और फिर लग जाते हैं इधर से प्रैक्टिस और दनादन एग्जाम शुरू करते हैं। फिर 4-5 साल के बाद उनको एहसास होता है कि अभी तक हमारा मैथवा कमजोरे है, साइंस से डरे लगता है, रीजनिंग से डरे लगता है। तो मैंने विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूँगा कि बिल्कुल लगातार बारीकी से टाइप बाय टाइप, जैसे मैंने असाइनमेंट्स में दिया है यार, कोई टीचर देते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपको समझा सकते हैं, जिनसे आपको समझ में आता है, उन्हें गुरु माने, लगातार मेहनत करें, बार बार मेहनत करें, निश्चित है सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। थोड़ा देर लग जाए किसी टीचर पर भरोसा करने में, 5, 10, 20, 50 टीचर को पहले चेक कर लीजिए, आपको लगे कि ये टीचर आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़िए, उसके एक एक बातों को फॉलो करिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बीच में परेशानियां आएगी, उदाहरण के लिए समझिए, दिल्ली से आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया SSC का, जाना जरूरी है, ट्रेन में इतना भीड़ है कि श्वास लेना मुश्किल है, फिर भी आप ट्रेन में चढ़ जाते हैं, धक्के मुक्के खाते हुए, बीच में लगता है कि एकदम दम निकल जाएगा, फिर भी बर्दाश्त करते हुए पहुंचते हैं, क्योंकि नौकरी का सवाल है। क्या अभी से हम मेहनत करेंगे ये ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचाएगा तो क्यों हम लोग बीच में परेशान हो जाते हैं? ये कोरोना काल आया है तो जाएगा, प्लीज टेंशन ना ले, अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें, कहीं ना कहीं तो समय बिताइए ना रहे हैं जी, उस समय को एकाग्रचित होके पढ़ाई पे फोकस करें। आज भी लाखों करोड़ों में हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कमरे में बंद होकर मेहनत कर रहे हैं, उनकी सफलता उनकी कदम चूमेगी, निश्चित है वो सिलेक्शन को माता पिता के कदमों में झुकाएंगे। कारण पैदा करिए पढ़ने का। मैं आपको बोलूंगा ना कि मेरे बगल में दीवार है, 10 आदमी है बोलेंगे इसको तोड़ दो, हम ही को बोलेगा बकलोल हो गया है, काहे ले इसमें हम ढाई मारे जाए दीवार को तोड़े लगी। लेकिन हम बोल दें कि दीवार के पीछे सोने का खान है और रियल में हो, मिनटों नहीं लगेगा, दीवार नास्ते नाबूद हो जाएगा, वही सोने का कान खान मिलेगा अभी का मेहनत के बाद। अभी का जो आलस्य को त्याग के मेहनत दिन रात करेगा, अभी मात्र 10-5% विद्यार्थी मन से पढ़ रहा है, बाकी सब डाइवर्ट हो गया, तो अभी करेंगे तो इस मेहनत के उस पार सोने का खान भरा पड़ा है, इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, समाज में जब सफलता मिलेगी आप अपने जूनियर के लिए प्रेरणा बनेंगे, माता पिता का उम्र बढ़ जाएगा 5 साल 10 साल, खुशियां ही खुशियां जीवन में आएगी और जिंदगी को हम जी पाएंगे। काटना नहीं है, जीना है तो मेहनत करो, राजा के तरह जीना है, नवाबों की जिद की जीना है तो अभी गुलाम के तरह खटो, लगातार खटो, हम आपके साथ हैं। चैनल को लगातार शेयर करते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, मास्टर वीडियो, सुपर 50, सुपर 20 और लगातार प्रीवियस का
प्रैक्टिस करवा रहे हैं, करते रहिए। और साथ ही साथ एप्लीकेशन का भी लिंक है, वहां से आप कोर्स एक छोटा सा अमाउंट राशि दे के भी भरमार और मजेदार तैयारी कर सकते हैं, कम समय में मैथ रीजनिंग का बादशाह बन सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।